What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingTrap.in. आज 17 फरवरी 2020 मंडे है, सुबह के 8:15 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। इस वीक में सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस होंगे। फ्राइडे एक छुट्टी आ रही है और एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो इसके मद्देनज़र हो सकता है ये 4 दिन का जो वीक है इसमें एक फ्लैट नोट पे हमें निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखे। तो आज के निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू यहाँ पर रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 14 फेब आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपको हमारा फ्राइडे का वीडियो देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,180 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,133। तो जैसे कि आप देख रहे हैं शुरू में, तो यहाँ पर जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो ये हमारे फर्स्ट टारगेट के पास यहाँ पर ओपन हुआ। तो यहाँ पर शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता, यहाँ से ऊपर की तरफ ये मूव हुआ और यहाँ पर एक न्यूज़ आया था अराउंड 11:30 के आसपास कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पेनल्टी था वो टेलीकॉम कंपनीज को भरने के लिए कहा है। इससे पैनिक क्रिएट हुआ और जैसे ही इस न्यूज़ को एनालिसिस करने से पहले ही यहाँ पर पैनिक का मूव हमें देखने को मिला और ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ वन फॉल में यहाँ पर करीब 100 पॉइंट्स यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स गिर गया। तो यहाँ पर जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा था ये तो एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास इसने एक बार सपोर्ट टेस्ट किया, फिर से सेकंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए ये, और यहाँ से जो स्ट्रेट वन वे फॉल आया 100 पॉइंट्स का, वहाँ पर इसने ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 12,120 को भी अचीव किया और सेकेंड टारगेट 12,107 को भी अचीव किया और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया। बाउंस बैक दिखाने के बाद फिर से ब्रेकआउट लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए फ्राइडे को भी। तो अगर फ्राइडे को ट्रेड करते इस प्लान के अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो यह था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे को यूएस मार्केट देखे तो नैसडेक और डाउ में हल्का सा ट्रेड देखने को मिला जुला कारोबार था। हल्के से बढ़त के साथ नैसडेक 19 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहाँ पर भी प्रेशर दिखाई दे रहा था क्योंकि कोरोना वायरस अभी यूरोप में पहुँच गया है, ऐसा न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। एशियाई मार्केट आज जब खुले तो एसजीएक्स निफ्टी और जापानीज इंडेक्स निक्केई निगेटिव नोट के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं और चाइना मार्केट बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो वो भी 57 पॉइंट के बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, यहाँ पर यह जो बाउंस बैक आया है 50 EMA का एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट करके, तो यहाँ पर हम ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसका हाई कंफर्टेबली ब्रेक होना बहुत जरूरी था। लास्ट वीक इसने फ्राइडे को यहाँ पर ट्राई किया लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। ये वन वीक का फॉल है और इसके बाद दो वीक इसने लगा दिए इस बियरिश कैंडल को कवर करने के लिए, हालांकि इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ है। तो बुल्स ट्राई कर रहे कि फिर से एक बार ये इस लेवल को ये ब्रेक करे और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़े, लेकिन यहाँ पर बेयर्स फिर से एक बार हावी हो रहे क्योंकि यहाँ से एक लास्ट टाइम फॉल आया था। तो हो सकता है ये फिर से 20 EMA, ये जो वीकली चार्ट में 20 EMA अराउंड 11,920 के पास आ रहा है, यहाँ पर ये फिर से आके फिर एक रिबाउंड यहाँ से दिखाए। तो कल अगर देखे फ्राइडे को तो यहाँ पर एक वीक खत्म होने के बाद दोजी कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जहाँ पर ओपन हुआ था मंडे को उसी के पास आकर ये ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो इनडिसिजिव पैटर्न है, अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये हमारे हर्डल्स होंगे, हमारे टारगेट्स होंगे 50% का 12,284 और 61.8% यानी 12,442 के पास ये हमारे टारगेट्स होंगे। और अगर ये 20 EMA को वीकली चार्ट में अगर ब्रेक करता है यानी 11,940 को अगर ये ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो हो सकता है ये फॉल फिर यहाँ से कंटिन्यू हमें दिखाई दे।
तो ये लेवल्स होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एज पर वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे तो वीकली चार्ट में ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, ये देखिए यहाँ पर, और इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर वीकली चार्ट में जबरदस्त हमें अपसाइड मूव देखने को मिला था। ब्रेकआउट यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था नेक लाइन का, फिर से इसने नेक लाइन को यहाँ पर ये जो फिर से एक बार रिवर्स मूव आया है ये नेक लाइन को टेस्ट कर रहा है जो सपोर्ट और फिर बाउंस बैक दिखाया। तो अभी डेली चार्ट में भी सेम पैटर्न है यहाँ पर क्रिएट हुआ है, हमने लास्ट दो वीडियोस में इसे आइडेंटिफाई किया था, दिखाया था कि यहाँ पर कैसे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर भी ये देखिए ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये हेड हो सकता है और ये राइट शोल्डर हो सकता है। अभी इसका नेक लाइन का अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ब्रेकआउट जैसे मिलेगा तो ये पैटर्न यहाँ पर हमें बुलिश साइन, एक ट्रेंड रिवर्सल साइन यहाँ पर दिखाता है, तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है, निफ्टी इंडेक्स रिबाउंड होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन उससे पहले इसको ये जो सपोर्ट है इसे अच्छी तरह से टेस्ट करना होगा, इसके नीचे अगर चला जाता है तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। यानी हमने वीकली चार्ट में देखा 20 ईएमए के पास यानी 11,940 के पास सपोर्ट है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं डेली चार्ट में 20 ईएमए अराउंड 12,090 के पास आ रहा है और 50 ईएमए 12,068 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर 12,050 और 11,940 के बीच में एक सपोर्ट जोन बन सकता है। अगर इस जोन को अगर ये ब्रेक करता है टूवर्ड्स साउथ की तरफ तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये करेक्शन है, मार्केट हमेशा ऐसे ट्रेंड करता है, अप ट्रेंड जब भी आता है तो इस एंगल में ये ट्रेंड करता है, तो मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अगर ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो है। ये चलते 60 मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट, अभी निफ्टी इंडेक्स ये तीनों मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, अगर लास्ट फ्राइडे का हम ये चार्ट देख रहे तो यहाँ पर अगर ये फ्राइडे का लो अगर ब्रेक करता है यानी 100 ईएमए के नीचे भी चला जाएगा तो फर्स्ट सपोर्ट तो आएगा फ्राइडे लास्ट डे का क्लोज लो पॉइंट, यहाँ पर एक फर्स्ट सपोर्ट आएगा, तो ये हमारा हो सकता है आज के लिए ब्रेक डाउन लेवल, तो हम इसे मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेक डाउन लेवल, ये हमारा हो सकता है ब्रेक डाउन लेवल, यहाँ पर हमने इसे मार्क कर दिया ब्रेक डाउन लेवल। इसके नीचे चला जाएगा तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पर 12,073, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 12,054 के पास है, और अभी ये टूवर्ड्स अगर नॉर्थ की तरफ मूव होता है तो पहले तो 50 ईएमए का हर्डल है, बाद में 20 ईएमए का हर्डल है, फिर पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 12,150, ये यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस फेस करता है, तो कम्प्लीटली इन लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए। इन लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट किया था इसने दो दिन पहले, सपोर्ट टेस्ट किया था फिर ये नीचे आया, तभी ऊपर जाते हुए कि इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। 12,157 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आज के लिए ब्रेकआउट लेवल, हम इसे मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,174, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,195, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।